नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल में। और अभी हम लिमिट एंड कंटिन्यूटी पढ़ रहे हैं, और लिमिट में हम लोगों ने लिमिट एग्जिस्ट कब करता है, नहीं करता है, उसके बेसिक फॉर्मूलाज क्या हैं, फिर कुछ क्वेश्चंस देखे थे एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट पे, और कुछ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस देखे थे। चलिए आज हम लोग कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इवेलुएट लिमिट एक्स टेंस टू जीरो वन प्लस एक्स अंडर रूट माइनस वन बाय एक्स। क्लियर? आप नोटिस करो, अगर आप डायरेक्ट यहाँ एक्स का वैल्यू जीरो पुट कर देते हो तो वन प्लस जीरो, वन प्लस जीरो यानी कि वन, तो वन का रूट यानी कि वन, वन माइनस वन यानी कि ऊपर जीरो हो गया, न्यूमरेटर हमारा जीरो हो जाएगा, और डिनोमिनेटर भी क्या हो जाएगा, x टेंस टू जीरो, मतलब ये भी हमारा हो जाएगा जीरो। तो जीरो बाय जीरो, तो जीरो बाय जीरो मतलब इनडिटर्मिनेट केस है ना। हाँ जी, तो चलिए फिर इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप लोगों को पता है ना कि लिमिट में इनडिटर्मिनेट केस नहीं हो सकता है, कि अगर इनडिटर्मिनेट केस होता है तो फिर वो क्वेश्चन हम सॉल्व करने में बहुत मुश्किल होता है ना। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले इस पूरे को हम लोग a मान लेते हैं, और a इज इक्वल टू आपका दिस होल। अच्छा, वन प्लस एक्स का रूट है ना, इसको हम लोग वन प्लस एक्स टू दी पावर वन बाई टू बोल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये a इज इक्वल टू दिस लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, और दिस वन प्लस एक्स टू दी पावर वन बाय टू माइनस वन, तो वन को लिख सकते हैं ना, वन का पावर वन बाय टू, वन का पावर कुछ भी हो तो वन ही होगा, अपॉन ये सिर्फ x था, अपने मन से मैंने वन ऐड किया, वन सब्ट्रैक्ट किया, कोई फर्क पड़ेगा? आप ध्यान से देखो तो डिनोमेटर में x था, वन ऐड वन सब्ट्रैक्ट, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा ना, तो वन वन कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा, ये हमारा x बचेगा, ठीक है। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इस पोर्शन में भी हम लोग क्या करते हैं, लिमिट x टेंस टू जीरो था तो आर एल एच एस में भी हम लोग क्या किए, वन ऐड किए, आर एच एस में भी हम लोग क्या किए, वन ऐड किए, कोई फर्क पड़ेगा जी? x टेंस टू जीरो था, यहां भी वन ऐड किया, यहां भी वन ऐड किया, दोनों को हम लोग कट कर देंगे, या फिर एक को उधर उस साइड ले जाएंगे तो वन माइनस वन जीरो ही हो जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप बोलो इतना क्यों कर रहे हैं सारा, क्यों फर्क, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा काम क्यों कर रहे हैं? फॉर्मेट में लाने के लिए, क्योंकि आप लोगों को पता है एक फॉर्मूला होता है x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n बाय x माइनस a लिमिट x टेंस टू a, ये फॉर्मूला है आपका, ठीक है। इसका वैल्यू क्या होता है, तो इसका वैल्यू होता है n a टू दी पावर n माइनस वन। क्लियर? ये होता है इसका वैल्यू। तो हम लोग क्या करेंगे फिर, तो आप ध्यान से देखो, इससे कंपेयर करो, यहाँ पर n था 1 बाय टू, तो यहाँ भी हमें 1 बाय टू लिखना जरूरी था, यहाँ पे आपका नीचे x से ओनली x था, तो यहाँ पे x टेंस टू होना चाहिए x माइनस a, x टेंस टू a और x माइनस a, तो हम लोगों ने 1 ऐड किया, 1 सब्ट्रैक्ट किया, तो देखिए फॉर्मेट इन दोनों को एक साथ लिखा, माइनस का माइनस, 1 का 1, ठीक है। तो ये पूरा आपका लिमिट 1 प्लस एक्स टेंस टू जीरो प्लस मतलब 1, दिस का पावर 1 बाय टू माइनस 1 का पावर 1 बाय टू बाय दिस माइनस 1। अब अगर इसे हम वाई मान लेते हैं, ठीक है, इसे हम क्या मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं, तो ये आपका लिमिट हो जाएगा, ये वाई टेंस टू 1, ये पूरा वाई है, 1 प्लस एक्स वाई, वाई टू द पावर 1 बाय टू माइनस 1 टू द पावर 1 बाय टू बाय वाई माइनस 1। तो ये देखिए तो कौन सा केस है, लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन बाय एक्स माइनस ए, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा n n 1 बाय टू n, n की जगह पे 1 बाय टू है ना, तो n a n माइनस वन, ठीक है। तो आपका ये हो जाएगा 1 बाय टू इंटू 1 का पावर 1 बाय टू माइनस वन, तो 1 का पावर माइनस वन बाय टू, तो 1 का पावर कुछ भी हो, वैल्यू 1 ही होता है, ठीक है, 1 का पावर, तो हाँ जी कुछ भी पावर है हमको इसे फर्क नहीं पड़ता, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, तो 1 बाय टू इंटू 1 इक्वल टू क्या हो गया 1। चलिए वन मोर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इवेलुएट लिमिट एक्स टेंस टू जीरो टू माइनस एक्स अंडर रूट माइनस टू प्लस एक्स अंडर रूट बाई एक्स, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जब भी आपका इस तरह का अंडर रूट का कंडीशन होना, अच्छा आप एक चीज चेक करो, एक्स टेंस टू जीरो, अगर हम लोग एक्स का वैल्यू जीरो पुट करते हैं तो टू माइनस जीरो यानी कि टू, माइनस टू प्लस जीरो यानी कि टू, तो रूट टू माइनस रूट टू क्या हो जाएगा जीरो, बाय एक्स का वैल्यू जीरो, तो जीरो बाय जीरो यानी कि इनडिटर्मिनेट केस है। तो हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसीलिए हम लोग इसको ना, जब भी रूट वाला टाइप हो ना तो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो आप इसको रैशनलाइज कर दीजिए, ठीक है, ये आप हमेशा कर सकते हो। जब भी दो चीज़ आप ध्यान देना, जब भी रूट हो और बीच में माइनस हो,
रूट हो और बीच में माइनस हो, तो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप रैशनलाइज कर दो। ये सबसे इजीएस्ट प्रोसेस होता है रूट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है। चलिए फिर लिमिट एक्सटेंड टू जीरो दिस बाय दिस, तो दिस बाय दिस रैशनलाइज करेंगे तो आप बोलोगे मैम मोस्टली हम डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते हैं, तो ये जरूरी नहीं है, आप न्यूमरेटर को भी कभी कभी रैशनलाइज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर दिस माइनस दिस था, ठीक है, तो यहाँ पे दिस माइनस दिस था, इसका मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे, दिस प्लस दिस बाय दिस प्लस दिस से हम लोग मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, इसको ए ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब टू माइनस एक्स का अंडर रूट का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, टू प्लस एक्स अंडर रूट का स्क्वायर बाय एक्स इंटू दिस, क्लियर। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये आपका क्लियर हो गया ना, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ये रूट और स्क्वायर हट जाएगा, तो टू माइनस एक्स माइनस का माइनस, ये टू प्लस एक्स बाय दिस, ठीक है। अब हमारा 2 माइनस एक्स माइनस टू माइनस एक्स ये हो गया, अब दिस को हम लोग इतना ही लिख देते, इसमें तो कुछ कर नहीं सकते हम लोग, ठीक है। फिर ये 2 2 कैंसिल हो गया, तो माइनस एक्स माइनस एक्स, तो माइनस टू एक्स बाई एक्स इंटू दिस, अब ये एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा हमारा, अब ये एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो बचेगा माइनस टू बाई दिस, ठीक है, तो माइनस टू बाई दिस। अब लिमिट को जब भी हटाना हो लिमिट का वैल्यू पुट कर दो, तो टू माइनस जीरो का अंडर रूट प्लस टू प्लस जीरो का अंडर रूट, ठीक है, तो ये होगा माइनस टू बाई टू माइनस जीरो यानी कि टू, टू का अंडर रूट प्लस टू प्लस जीरो यानी कि टू का अंडर रूट, तो ये हमारा माइनस टू बाय रूट टू प्लस रूट टू, ठीक है, तो माइनस टू बाय टू रूट टू। चलिए दिखा, तो ये माइनस टू बाय रूट टू प्लस रूट टू, तो माइनस टू बाय टू रूट टू, तो टू टू कैंसल, माइनस वन बाय रूट टू, आंसर क्लियर। चलिए मैं आपको तीन क्वेश्चन देती हूँ एज अ होमवर्क, आपको इन तीनों को सॉल्व करना है, आप कमेंट कर सकते हो मुझे, ठीक है, कमेंट में आप तीनों का आंसर लिख सकते हो। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है लिमिट एक्स टेंस टू टू एक्स टू द पावर टेन माइनस वन टू सॉरी वन जीरो टू फोर वन थाउजेंड ट्वेंटी फोर बाई एक्स टू द पावर फाइव माइनस 32। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पिछले पीछे बताया है, ठीक है, कल के वीडियो में बताया था, लिमिट एक्स टेंस टू ए दिस माइनस दिस बाय एक्स माइनस ए फाइव बाई थ्री दिस का पावर फाइव बाई थ्री, और एक आपका ये क्वेश्चन है, तो आप स्क्रीनशॉट खींच लो, क्लिक कर लो स्क्रीनशॉट, ठीक है। आपको ये तीनों क्वेश्चन आपको बनाने हैं और मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है। चलिए आज मैं आप लोगों को एक डिफरेंट टाइप के लिमिट्स के को इवेल्युएट करना बताऊंगी। आप अभी ये सब में क्या देख रहे हो, एक्सटेंस टू टू एक्सटेंस टू ए एक्सटेंस टू जीरो, तो कोई फाइनाइट वैल्यू है, अगर हम यहाँ पर इन्फिनिटी रख दे तो क्या होगा, जी हाँ, तो हमारा अब का टॉपिक है ना, यहाँ पर इन्फिनिटी रख के हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट टू इवेल्युएट द लिमिट्स ऑफ एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे कैसे इवेल्युएट करते हैं, ठीक है, तो इन्फिनिटी पे इवेल्युएट करने का वर्किंग रूल चलिए देखते हैं। कन्वर्ट इट इनटू इन द फॉर्म एफ एक्स बाई जी एक्स, जब भी कोई फंक्शन हो तो उस फंक्शन को आप एक रैशनल फंक्शन में कन्वर्ट करो जिसमें एफ एक्स भी कुछ हो जी एक्स भी कुछ हो, मतलब कि देखिए रैशनल फंक्शन तो सभी है, अगर हम टू की बात करते हैं, सपोज ये मैंने टू की बात की, तो ये टू रैशनल फंक्शन है, क्यों, यहाँ पर टू बाय वन है, तो ये वन रहेगा तब नहीं, मतलब वन के अलावा कुछ भी अगर मतलब आपको यहाँ पे एफ एक्स बाय जी एक्स का कुछ फॉर्मेट बनाना है, ठीक है, इस तरीके का आपको एक फॉर्मेट बनाना है, क्वेश्चन में आपको क्लियर हो जाएगा। अभी आप सिर्फ ये देखो कि आपको डिनोमिनेटर में भी कुछ लाना है, ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को दोनों को डिवाइड करना है एक्स के हाइएस्ट पावर से, क्लियर। आपको न्यूमरेटर को और आपको डिनोमिनेटर को दोनों को डिवाइड करना है एक्स के हाइएस्ट पावर से, याद रहेगा। तो वर्किंग रूल में आपका पहला क्या है, तो आपको कन्वर्ट करना है पूरे क्वेश्चन को एक रैशनल फॉर्म में, उसके बाद आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को डिवाइड करना है एक्स का हाइएस्ट पावर से, और उसके बाद आपको अप्लाई करना है एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, मतलब एक्स के जहां जहां एक्स है वहां पे आप इन्फिनिटी पुट करोगे, तो अगर एक्स के जगह पे आप इन्फिनिटी पुट करोगे तो क्या होगा, तो आपका वन बाय एक्स बन गया ना, क्योंकि आपने डिवाइड कर दिया था एक्स के हाइएस्ट पावर से, तो हाइएस्ट पावर से डिवाइड करने से क्या होगा, नीचे या तो आपका कुछ नहीं बचेगा या फिर आपका एक्स बचेगा, तो जहां जहां वन बाय एक्स, तो वन बाय इन्फिनिटी, वन बाय इन्फिनिटी का वैल्यू कितना होता है, जीरो। आप एक क्वेश्चन देखो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, एक इवेलुएट लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी
3x³ - 4x² + 6x - 1 / 2x³ + x² - 5x + 7। क्लियर, ये क्वेश्चन है आपका। सबसे पहले मैं क्या करूंगी, यहां पर x का हाईएस्ट पावर क्या है, x³। यहां भी x का हाईएस्ट पावर क्या है, x³। तो न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, यहां पे तो fx/gx का फॉर्म है ही, वो बोला था क्वेश्चन वर्किंग रूल में कि हमारा पहला कंडीशन होता है कि पूरे फंक्शन को हम लोग एक रैशनल फंक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, दैट इज fx/gx। तो यहां ऑलरेडी ये कन्वर्टेड है, तो हम लोग का दूसरा नियम क्या था कि x के हाईएस्ट पावर से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड करना। तो यहां पर x का हाईएस्ट पावर क्या है, x³। यहां पर x का हाईएस्ट पावर क्या है, x³। तो दोनों को डिवाइड करते हैं x³ से, ठीक है। तो अगर आप डिवाइड करोगे दिस बाय x³ एंड दिस बाय x³, तो आपका क्या हो जाएगा, देखो दिस बाय x³ में तो सबके साथ x³ डिवाइड करना है, इसके साथ करोगे आपका 3 हो जाएगा, माइनस का माइनस 4x² / x³। तो ऊपर 2x, नीचे 3x, तो 1x नीचे बच जाएगा, मतलब -4x, प्लस का प्लस 6x / x³, तो ऊपर 1, नीचे 3, तो कटेंगे तो नीचे 2 बच जाएगा ना, तो प्लस 6x² देन -1x³, ठीक है। अगेन 2x³ / x³, तो 2, देखिए 2 मैंने लिखा हुआ है, प्लस का प्लस x² / x³, तो ऊपर 2x, नीचे 3x, तो कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बचेगा, तो 1x बचेगा, देन माइनस का माइनस 5x, तो 5 का 5 और x/x³, तो 1x, नीचे 3x, तो कट जाएगा, तो 2x² बच गया, प्लस का प्लस 7x³, ये हो गया मेरा। अब हमें क्या करना, इतना करने के बाद x टेंड्स टू इन्फिनिटी आपको अप्लाई करना है, ठीक है। यू हैव टू अप्लाई x टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब देखो यहाँ पे तो आपका 3 है, ठीक है। अब आपका यहाँ पर -4x, तो 3 का तो 3, -4 / ∞ प्लस 6 / ∞² माइनस 1 / ∞³ / 2 प्लस 1 / ∞ माइनस 5 / ∞² प्लस 7 / ∞³, आपका कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। अब आप एक चीज ध्यान दो, 4 / ∞ मतलब 4 × 1 / ∞, तो 0, नीचे इन्फिनिटी मतलब 0, और इन्फिनिटी का स्क्वायर भी तो इन्फिनिटी ही होगा ना, तो ये भी 0, सारा 0, 0, 0, 0, तो आपका क्या बच गया, ऊपर 3 और नीचे 2, क्योंकि ये सारा 0 हो गया, ये भी सारा 0 हो जाएगा, तो 3/2, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपने और भी कुछ इस तरह के क्वेश्चंस को बताऊंगी, ठीक है।